हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइम सोडा प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि लाइम सोडा प्रोसेस है क्या। तो लाइम सोडा प्रोसेस एक सॉफ्टनिंग मेथड है वाटर के लिए, ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट के लिए। जो पानी होता है वो बहुत हार्ड हो सकता है और उसको हम इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए, ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड है जिनको हम सॉफ्टनिंग मेथड कहते हैं। तो उसी के अंदर का पहला टॉपिक है लाइम सोडा प्रोसेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें सॉफ्टनिंग मेथड के अंदर क्या क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है लाइम सोडा प्रोसेस, जिसके अंदर दो मेथड है, हॉट लाइम सोडा प्रोसेस एंड कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। और उसके बाद हमें पढ़ना है आयन एक्सचेंज प्रोसेस यानी कि डी मिनरलाइजेशन प्रोसेस। और थर्ड हमें पढ़ना है जियोलाइट प्रोसेस। ये तीनों ही टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है लाइम सोडा प्रोसेस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ लाइम सोडा प्रोसेस के बारे में। और उसके अंदर हम पढ़ेंगे कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस, हॉट लाइम सोडा प्रोसेस एंड कंपैरिजन, ठीक है। इन दोनों के बीच का कंपैरिजन पढ़ना है हमें। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं लाइम सोडा प्रोसेस। इन लाइम सोडा प्रोसेस कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम CaOH2 एंड सोडा Na2CO3 इज एडेड इन वाटर कंटेनिंग हार्डनेस। द प्रेसिपिटेट ऑफ CaCO3 एंड MgOH2 सो फॉर्म्ड आर रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। तो लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि पानी का जो हार्डनेस उसको रिमूव करने के लिए उसके अंदर हम कैलकुलेटेड अमाउंट डालते हैं लाइम का एंड सोडा का, ठीक है। तो हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हमने डाला कैलकुलेटेड अमाउंट लाइम एंड सोडा का, और उसको डालने की वजह से कुछ प्रेसिपिटेट भी बनता है तो उसको हम फिल्ट्रेशन की हेल्प से मदद कर सकते हैं। यानी कि लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, केमिकल्स डालेंगे। यानी कि केमिकल्स कौन से होंगे, वो लाइम एंड सोडा, और जो प्रेसिपिटेट बनेगा उसके लिए हम फिल्ट्रेशन भी यूज करेंगे, ठीक है। अब इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, चलिए हम आप एक बार समझिएगा तो आप अच्छे से समझ पाएगा। ये जो है न्यूमेरिकल का पोर्शन है, तो न्यूमेरिकल हम इस वीडियो में बात नहीं करने वाले हैं। न्यूमेरिकल के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उस पर हम बात कर लेंगे। तो अभी हमें बस थ्योरी पर फोकस करना है। तो अभी के लिए हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ लाइम सोडा प्रोसेस। देर आर टू टाइप ऑफ लाइम सोडा प्रोसेस, कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस एंड हॉट लाइम सोडा प्रोसेस, ठीक है। तो आज हम अभी बात करने वाले हैं हम कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस, ठीक है। इन कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम सोडा एडेड टू वाटर एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर रूम टेम्परेचर पर हम कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम एंड सोडा डालते हैं। द प्रेसिपिटेट आर फाइनली डिवाइडेड सो डज नॉट सेटल डाउन एट बॉटम। A small amount of coagulant like sodium aluminate and aluminium sulfate are added to water which hydrolyzes and entrap the finally divided part precipitate. तो ठीक है, हमने हार्डनेस को रिमूव करने के लिए क्या डाला उसके अंदर, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम एंड सोडा। बट उसको डालने की वजह से हमारे पास प्रेसिपिटेट भी बनेगा, हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। अभी हमने जस्ट देखा है कि प्रेसिपिटेट ऑफ CaCO3 एंड MgOH2 सो फॉर्म। तो हमने हार्डनेस को रिमूव करने के लिए उसके अंदर डाल दिया लाइम एंड सोडा, हार्डनेस रिमूव हो गई। लेकिन उसको डालने की वजह से हमारे पास प्रेसिपिटेट भी आया। वो प्रेसिपिटेट क्या होगा, बहुत ही फाइनली डिवाइडेड होगा, लेकिन बहुत ही बारीक कण होंगे उसके अंदर। तो वो फाइनली डिवाइडेड सो डज नॉट सेटल डाउन एट बॉटम। तो बहुत फाइनली डिवाइडेड होने की वजह से वो बॉटम में नहीं बैठेंगे, यानी कि वो उनको रिमूव करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कोगुलेंट लाइक सोडियम एल्यूमिनेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट आर एडेड टू वाटर, ठीक है। तो उसके प्रेसिपिटेट को रिमूव करने के लिए हम उसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ कोगुलेंट डालेंगे। कोगुलेंट क्या करता है कि जो भी पार्टिकल्स हैं, रिड्यूसिंग पार्टिकल्स, उनके जो चार्ज को ना रिमूव कर देता है, और उसकी वजह से जो बारीक प्रेसिपिटेट होते हैं ना, वो आपस में मिलकर एक बहुत बड़ा सब्सटेंस बना लेते हैं। और उसकी वजह से जब वो बड़े सब्सटेंस बन जाते हैं तो उनके ऊपर ग्रेविटी फोर्स लगता है, और ग्रेविटी फोर्स की वजह से वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, यानी कि फिर उनको आसानी से अपन ब्लो डाउन करके रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। द मिक्सिंग ऑफ वाटर एंड केमिकल ऑल्सो कैरिड आउट फॉर फास्ट रिएक्शन।
अब हमें कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मिक्सिंग करनी पड़ेगी पानी के अंदर लाइम की और सोडा की। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मिक्सर यूज करते हैं। ठीक है, तो बस कोल्ड लाइम सोडा के अंदर यही है कि हम कैलकुलेटेड अमाउंट लाइम और सोडा का डालते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, और उसके बाद जो प्रेसिपिटेट बनते हैं उनकी रिमूवल के लिए हम उनके अंदर थोड़े बहुत कोगुलेंट डाल देते हैं। कोगुलेंट क्या करता है, उनको डिस्चार्ज कर देता है, वो पार्टिकल्स साथ में आ जाते हैं और नीचे सेटल डाउन होके हो जाते हैं और उनको हम फिल्ट्रेशन के हाथ से अलग कर लेते हैं। तो कोल्ड लाइम सोडा के अंदर बस यही इतना सा है। अब हम प्रोसीजर पढ़ लेते हैं। लाइम एंड सोडा एडेड इन वाटर थ्रू द अपर एंड ऑफ द चैम्बर, चैम्बर की जो अपर एंड है वहां से हम क्या डालते हैं, लाइम एंड सोडा। देखिए लाइम एंड सोडा कोगुलेंट, तीन चीजें हम तीन केमिकल्स यूज पड़ रही है, लाइम सोडा एंड कोगुलेंट, हम उसको अपर चैम्बर के अंदर डालते हैं। कोगुलेंट लाइक सोडियम एलिमिनेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट इज एडेड टू वाटर। ठीक है, पानी के अंदर कोगुलेंट भी डालते हैं। सो दैट फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स गेट इंटरप्ट इन कोगुलेंट एंड सेटल डाउन इजिली फॉर थ्राउट इजिली। ठीक है, फॉर थ्राउट मिक्सिंग ऑफ वाटर एंड केमिकल्स आर रोटेटिंग सॉफ्ट इज फिक्स्ड व्हिच कैरीज द नंबर्स ऑफ पैडल्स। ठीक है, तो कोगुलेंट हमने डाला क्यों, ताकि फाइनल डिवाइडेड सब्सटेंस है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, फाइनली, और जब हम इसको डालते हैं ना, डालते वक्त मिक्सिंग भी चालू रहती है। ठीक है, मिक्सिंग क्या, मिक्सिंग होती है यहाँ पे केमिकल्स की और वाटर की। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, शाफ्ट यूज करते हैं जिसके अंदर बहुत सारे पैडल्स लगे होते हैं। तो वो ये मोटर से वो पैडल्स मूव होते हैं और मूव होने की वजह से जो पानी और केमिकल्स से वो मिक्स हो जाते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, तो देखिए अब स्लज कोगुलेंट हमने डाला तो कुछ ना कुछ वो रिड्यूसिंग सब्सटेंस जो होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, स्लज कहेंगे। और उन स्लज तो स्लज कैन बी रिमूव इजिली, तो स्लज को हम इजिली रिमूव कर सकते हैं यहाँ से ब्लो डाउन कर कर। ठीक है, कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस प्रोड्यूस वाटर ऑफ रेसिडुअल हार्डनेस ऑफ 50 टू 60 ppm। कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस से ट्रीट होने के बाद पानी का जो हार्डनेस होती है वो 50 से 60 ppm के बीच में हमको मिलती है। तो प्रोसीजर एक बार आप ही देख लेते हैं। ये चैम्बर है, इस चैम्बर के अंदर हमने लाइम और सोडा और कोगुलेंट को अपर चैम्बर से मिलाया। ठीक है, और यहाँ से हमने रॉ वाटर इंट्रोड्यूस किया। थ्राउट मिक्सिंग चालू रहती है मोटर की, हम पानी और केमिकल्स का मिक्सिंग करते रहते हैं। ठीक है, और ये जो है ना, ये क्या है, वुड फाइबर है। ठीक है, ये फिल्ट्रेशन है, जो भी मिक्सिंग करने के बाद जो पानी ऊपर से जब नीचे आता है तो वहां से जो फिल्ट्रेशन होती रहती है, यानी जो भी प्रेसिपिटेट बने या फिर कुछ भी रिमूविंग सब्सटेंस है वो यहाँ से फिल्टर हो जाते हैं। और लास्ट में जब कोगुलेंट की वजह से जो सब रिड्यूसिंग सब्सटेंस नीचे कलेक्ट होते हैं उनको हम स्लज कहेंगे, और स्लज को हम अच्छी तरह से ब्लो डाउन कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी था कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। अब हम हॉट लाइम सोडा प्रोसेस बात करेंगे। देखिए बहुत ज्यादा बड़ा लगता है लेकिन कुछ ज्यादा बड़ा नहीं, बहुत ही छोटी छोटी चीजें। ठीक है, हॉट लाइम सोडा प्रोसेस, इन हॉट लाइम सोडा प्रोसेस द टेम्परेचर मेंटेन टू 80 टू 150 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सिंस द हाई टेम्परेचर देर इज नो नीड ऑफ कोगुलेंट। ठीक है, तो हॉट लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर नाम से ही पता चल रहा है तो उसका टेम्परेचर किसके बीच में मेंटेन करते हैं, 80 टू 150 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अब टेम्परेचर हाई होने की वजह से हमें कोगुलेंट की नीड नहीं होती है। यहाँ पे जो हमारा प्रेसिपिटेट बन रहा था वो फाइनल डिवाइडेड था और उसको रिमूव करने के लिए हमें कोगुलेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे हमें कोगुलेंट की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। रिएक्शन प्रोड्यूस क्विकली एंड रिक्वायर लेस टाइम। तो ऑफकोर्स टेम्परेचर ज़्यादा है तो रिएक्शन फास्ट होती है कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस के कंपेरिजन में। The precipitation is almost complete. Sand filtration is used for filter whose capacity is more than wood fiber. Coal lime में हम क्या यूज कर रहे हैं, वुड फाइबर यूज कर रहे थे फिल्ट्रेशन के लिए, लेकिन हम इसके अंदर क्या यूज करेंगे, सैंड फिल्टर्स यूज करेंगे जो कि बहुत ज्यादा efficient है in comparison of wood fiber. Due to high temperature, dissolved gases such as O2 and CO2 also removed. अब temperature high है तो water के अंदर जो भी dissolved gases होती हैं CO2 और O2 वो भी अच्छी तरह से remove हो जाती है, क्योंकि अगर इसके अंदर gases बचती है ना तो उसकी वजह से एक problem create हो सकती है जो कि हमने पहले ही पढ़ रखा है। ठीक है, तो अगर आपने वो videos नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। तो hot lime soda के अंदर जो भी gases
डिजोल्व होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। अब इसको पढ़ते हैं, इसके प्रोसीजर थ्री पार्ट्स ऑफ HLS यानी कि हॉट लैम्प सोडा प्रोसेस के तीन पार्ट बनाए गए हैं। फर्स्ट रिएक्शन टैंक, आप ये देख सकते हैं क्या है रिएक्शन टैंक, ठीक है रिएक्शन टैंक। इसके अंदर क्या होता है, इन दिस लाइम सोडा एंड वाटर थ्राउट रिमिक्सड। रिएक्शन टैंक के अंदर लाइम सोडा और वाटर को अच्छी तरह मिक्स किया जाता है। सेडिमेंटेशन टैंक, इन दिस फॉर्म स्लज सेटल डाउन। अब यहाँ पर मिक्सिंग होने के बाद जो भी स्लज बचता है ना, ठीक है, यानी कि जो सब फाइलेंट वाले सब्सटेंस होते हैं वो इकट्ठे को जब नीचे बैठ जाते हैं वो स्लज है, तो यहाँ इसके रिमूवल के लिए यहाँ पे ये क्या होता है सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर। तो सेडिमेंटेशन टैंक, दिस इज फॉर्म्ड स्लज, इन दिस फॉर्म्ड स्लज सेटल डाउन। तो सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर जो भी स्लज होता है वो सेटल डाउन होता है। फाइव फिल्टर, फिल्टर ये देखिए वाला पोर्शन, यहाँ से हम रॉ मटेरियल डालते हैं। रॉ मटेरियल डालने के बाद क्या होता है, रिएक्शन टैंक में वाटर और केमिकल्स को अच्छी तरह मिक्स किया जाता है। केमिकल्स को हम यहाँ से इंट्रोड्यूस करते हैं और मिक्स होने के बाद जब पानी को थोड़ी देर छोड़ते हैं तो उसके अंदर जैसे स्लज रिमूविंग पार्टिकल्स होते हैं, रिड्यूसिंग पार्टिकल्स, वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और उसके बाद पानी को पंप कर दिया जाता है फिल्ट्रेशन के अंदर। ठीक है, फिल्ट्रेशन के अंदर पंप कर दिया गया तो इसके अंदर सैंड फिल्टर्स होते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सैंड होती है, ग्रेवल सैंड होती है, बहुत टाइप की सैंड होती है, वहाँ से पानी को पास आउट करते हैं। तो उसकी वजह से जो भी इसके अंदर जो भी रिमूविंग पार्टिकल्स थे वो रिमूव हो जाते हैं और पानी फिल्टर होके हमको मिल जाता है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं आगे। यहाँ से हम फिल्टर वाटर को ना आगे अपने जो भी मशीनरी से उसके अंदर सीधे पंप कर सकते हैं। तो फिल्टर में क्या है, इन दिस वाटर पासेस फ्रॉम वेरियस लेयर्स ऑफ सैंड एंड स्लज आर कम्प्लीटली रिमूव फ्रॉम द सॉफ्ट वाटर। थोड़ा बहुत स्लज यहाँ से रिमूव हुआ लेकिन फिर भी अगर कोई स्लज बचता है तो वो सैंड फिल्ट्रेशन की हेल्प से रिमूव हो जाता है। तो बस हॉट लैम्प सोडा प्रोसेस के अंदर क्या था कि हमने टेम्परेचर 180 से 150 के बीच में रखा, उसके अंदर हमें कोगुलेंट की नीड नहीं पड़ी और हॉट लैम्प सोडा प्रोसेस के अंदर हमने केमिकल डाला, रिएक्शन टैंक थी उसके अंदर केमिकल डाला, सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर स्लज इकट्ठी हो जाती है और हॉट लैम्प सोडा प्रोसेस के अंदर जो भी O2 CO2 डिजोल्व गैसेस होती है वो भी अच्छी तरह से रिमूव हो जाती है। तो मुझे लगता है बहुत ही ईजी से टॉपिक है, बस नाम कुछ ज़्यादा बड़ा लगता है अपन को लेकिन हम पढ़ते हैं तो बहुत ईजी लगता है। इसके एडवांटेज क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ स्लज फॉर्मेशन क्रिएट प्रॉब्लम, क्योंकि इसके अंदर स्लज की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। एक तो पानी के अंदर पहले से कुछ सब्सटेंस थे रिमूविंग सब्सटेंस, लेकिन जब हम लाइम और सोडा डालते हैं तो उसके जैसे और प्रेसिपिटेट बनते हैं तो और भी ज़्यादा स्लज की फॉर्मेशन हो सकती है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस आर स्लो, केमिकल रिएक्शन पर डिपेंड करती है, हमारा जो एफिशिएंसी है वो किस पर डिपेंड करती है, केमिकल रिएक्शन के ऊपर। द हार्डनेस ऑफ वाटर डज नॉट कम्प्लीटली रिमूव, पानी का जो हार्डनेस है पूरी तरह से रिमूव नहीं होता। हमने देखा कि हमें कितने हार्डनेस का मिलता है, 50 से 60 हार्डनेस का ही ppm का ही हार्डनेस वाला वाटर मिलेगा। द स्लज CaCO3 एंड MgOH2 आर द फाइन पार्टिकल्स, सो द लार्ज अमाउंट ऑफ दिस मेक यूज प्रॉब्लम्स ऑफ ब्लॉगिंग ऑफ वॉल्स एंड ट्यूब एक्सेट्रा, द रिजल्ट इन कोरोजन ऑफ बॉयलर पार्ट्स। तो जो भी स्लज पार्टिकल्स वो किसी भी पाइप को ब्लॉक कर सकते हैं, वाल्व को ब्लॉक कर सकते हैं, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। स्किल्ड सुपरविजन रिक्वायर्ड फॉर एफिशियंस, तो इनको जो हैंडल करने के लिए जो मशीनरी होती है लाइम सोडा के प्रोसेस के अंदर स्किल्ड पर्सन की रिक्वायर होती है, क्योंकि उसके अंदर हमें कैलकुलेटेड अमाउंट लाइम सोडा डालना पड़ता है। ठीक है, दिस प्रोसेस मे बी नॉट सुटेबल फॉर मेनी डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस, तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल को इसके लिए सुटेबल नहीं है क्योंकि उसके अंदर प्रेसिपिटेट जो एक्स्ट्रा लाइम और सोडा की वजह से वो वाटर जो है वो थोड़ा केमिकल कंटेन कर लेता है, तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज के लिए वो ये प्रोसेस नहीं अपनाया जा सकता। एडवांटेज क्या है, इट इज़ इकोनॉमिकल, सस्ता है, डज नॉट रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ कोगुलेंट की ज़्यादा नीड नहीं होती है, रिड्यूस द मच अमाउंट ऑफ Mg+2 एंड अदर मेटल आयंस, तो मेटल आयंस का लगभग रिमूवल हो जाता है। एंड pH level is high, so corrosion does not happen. pH level high होता है तो corrosion होने का खतरा खत्म हो जाता है। ठीक है, difference between, most important है, पूछ सकते हैं कि hot lime and cold lime में क्या difference है। तो cold lime process is done at room temperature, ठीक है, cold lime soda के अंदर process होता है वो room temperature के अंदर, इसमें क्या temperature रहता है 80 to 150। इसके अंदर कोगुलेंट रिक्वायर्ड है, इसके अंदर कोगुलेंट रिक्वायर्ड नहीं है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर हाई है इसलिए हम कोगुलेंट रिएक्शन रिक्वायर नहीं है। रिएक्शन आर स्लो, ऑफकोर्स कोल्ड है तो रिएक्शन स्लो होगी, लेकिन इसमें क्या होता है हॉट लैम्प के अंदर रिएक्शन आर फास्ट।
फिल्ट्रेशन आर नॉट एफिशिएंट और नॉट फास्ट. वुड फाइबर यूज करते हैं तो जो कि ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, लेकिन इसमें हम क्या कहते हैं सैंड फिल्ट्रेशन यूज करते हैं. तो फिल्ट्रेशन इज एफिशिएंट एंड फास्ट. सॉफ्टनिंग कैपेसिटी इज लो. रेसिडुअल हार्डनेस ऑफ सॉफ्ट वाटर 50 टू 60 ppm का हमें वाटर प्राप्त होता है, और इसमें 50 टू 30 ppm का हार्डनेस वाला वाटर प्राप्त होता है. तो ये ज्यादा एफिशिएंट है. डिजोल्व गैसेस आर नॉट रिमूव्ड, ठीक है. तो इसका अंदर पानी का अंदर अगर डिजोल्व गैसेस होगी तो कोल्ड एम्सेंट प्रोसेस के अंदर उसका रिमूव नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर क्या होगा डिजोल्व गैसेस भी रिमूव हो जाएंगे. ओवरऑल लेस एफिशिएंट, ओवरऑल मोर एफिशिएंट देन कोल्ड एम्सेंट प्रोसेस. तो दोनों में से बेहतर कौन है? हॉट लाइम सोलर प्रोसेस. आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, कर देना क्या जाते. और नेक्स्ट टॉपिक जियोलाइट प्रोसेस और लाइम. अगर न्यूमेरिकल की नीड हुई तो मैं न्यूमेरिकल वाला पोर्शन भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है. बाय, टेक केयर.